हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को सर्कल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं और ये दोनों टैंजेंट्स जहां पर काटते हैं वो कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसको पहले समझाता हूँ। देखिए, टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नाइन, एक सर्कल ये है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस वन बराबर जीरो। ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को काट रहे हैं दो पॉइंट पर और उसे कैपिटल ए और कैपिटल बी कहा जा रहा है। ठीक है, तो एट टू पॉइंट्स कैपिटल एंड कैपिटल बी, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नाइन पर दो टेंजेंट भी खींचने हैं ए और बी पर। इन्होंने एक दूसरे को जा करके यहाँ पर, अब ये नहीं कह देना कि सर इसके इस बड़े मतलब ये जो राइट वाला जो सर्कल दिख रहा है उसके सेंटर पे काटेगा, ऐसा नहीं है, सेंटर अलग है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स विच आर ड्रॉन ऑन दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नाइन एट द पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। मतलब दो सर्कल्स पहले एक दूसरे को काटें और फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टैंजेंट खींचना है और फिर ये वाला पॉइंट आपको निकाल के बताना है क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये दिखने में भले इतना बड़ा दिख रहा है पर ये है बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे लगेगा मैं बता देता हूँ, उतने में सॉल्व भी हो जाएगा। देखो, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नाइन और ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस वन बराबर जीरो। इन दोनों ने एक दूसरे को ए और बी पर काटा और फिर ए और बी पर टेंजेंट खींचना है ये वाले सर्कल पर। ठीक है, और फिर ये दोनों कहां पर काटते हैं ये पॉइंट आपको निकालना है। हाँ, देखो एक बात तुम्हें बताता हूं, ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, ये कॉमन कॉर्ड, इसकी इक्वेशन आप निकाल लोगे? बोलो, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालते हो? कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए आप सीधा सीधा एक सर्कल के एक्सप्रेशन में से दूसरे वाले सर्कल को घटा देते हो। तो घटाने के लिए क्या करोगे, इसको पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नाइन बराबर जीरो। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें से इसको घटा दो तो कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई और इसमें से जो घटा रहे हो तो प्लस टेन बराबर जीरो। ठीक है, आप इसमें से इस पूरे में से इसको घटा रहे हो तो जो भी आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, देखो दो सर्कल में अगर आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए और ये s बराबर जीरो और मान लीजिए s डैश बराबर जीरो दिया हुआ है, एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है दूसरे सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो सीधा सीधा s माइनस s डैश बराबर जीरो कर दो तो वो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हो जाती है। तो आप चाहे तो इसमें से इसको घटा लो चाहे इसमें से इसको घटा लो, तो मैंने इसमें से इसको घटा लिया तो माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, वन में से माइनस नाइन घटेगा तो प्लस टेन आ जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूँ टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव बराबर जीरो। सही है, तो ये जो है इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हो गई, समझ में आ रही बात? ठीक है, जिसमें टू कॉमन ले लिया और माइनस जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव बराबर जीरो। अब सोचो ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए ना तो तुम्हें कैपिटल ए निकालना पड़ा ना तो तुम्हें कैपिटल बी निकालना पड़ा, आसानी से कॉमन कॉर्ड आ गया। पर तुम्हें लग रहा है कि सर ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, अरे एक और इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट जोड़े गए, एक तो है ये कॉमन कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट, भाई एक सर्कल के एक्सप्रेशन में से दूसरा सर्कल का एक्सप्रेशन माइनस कर दो कॉमन कॉर्ड आ गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला, इस पॉइंट को आप एक्स वन वाई वन मान लो। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं तो AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, AB की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x1 y1, अगर x1 y1 के रिस्पेक्ट में AB की इक्वेशन निकालनी हो तो वास्तव में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है, तो x1 y1 के रिस्पेक्ट में इस वाले सर्कल पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होगी। और तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है किसी बाहरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या लिखते हैं, टी बराबर जीरो सीधा सीधा। ठीक है, अगर ये पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, अगर ये पॉइंट बाहर वाला x1 y1 है तो इसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं, दो टेंजेंट खींचो जहां पर टच करे उसको मिला दो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाता है। तो हम यहां से टेंजेंट खींचे या यहां से टेंजेंट खींचे, बात तो एक ही होगी ना, तो हम इसको उल्टा कर रहे हैं, x1 y1 के रिस्पेक्ट में
दो टैंजेंट खींचेंगे तो वो ए और बी पे जाएगा, या ए और बी पे टैंजेंट खींचेंगे तो यहाँ जाएगा। अगर ए और बी पर टैंजेंट खींचने पर एक्स वन वाई वन पे कट हो रहा है तो एक्स वन वाई वन से दो टैंजेंट खींचो तो ए और बी से पास करेगा, मतलब टच करेगा, ए और बी पर टच कर जाएगा। तो आपने सीधा सीधा इसका दो तरीके से इक्वेशन निकाला, कैसे, एक तो कॉमन कॉर्ड और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक्स वन वाई वन के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, टी बराबर जीरो इस पर लगा दो। तो इस पर जब टी बराबर जीरो लगाओगे तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस नाइन बराबर जीरो। अरे इस पर टी बराबर जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है, तो टी बराबर जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ये आ गया, मतलब एक्स एक्स वन और प्लस वाई वाई वन बराबर नाइन, ठीक है। तो ए बी लाइन का इक्वेशन ये भी है और ए बी लाइन का इक्वेशन ये भी है, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पर टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, हमने ए बी की इक्वेशन को दो तरीके से लिखा, एक तो एक्स वन वाई वन के फॉर्म में क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, और ऊपर से हमने इस ये जो है कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक सर्कल के एक्सप्रेशन में से दूसरे वाले को माइनस कर दो तो जो भी लाइन की इक्वेशन मिलती है वो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है, अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हमारी, तो ये जो ए बी लाइन है वो ये भी है, ए बी लाइन हमारी ये भी है, तो दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते, तो इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, मतलब इसे और इसे कंपेयर करना है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इसको हटाओ अभी, ठीक है। तो ए बी लाइन का इक्वेशन ये भी है एक्स वन वाई वन के रिस्पेक्ट में और ए बी लाइन का इक्वेशन ये भी है, तो बस अब आप क्या करोगे, इन दोनों कंपेयर कर दो, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर नाइन और यहाँ पर टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, कंपेयर कर दो कितना आएगा, x1 वन बाई टू बराबर वाई वन अपॉन वन बराबर नाइन बाई फाइव, और यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 बराबर 18 बाई फाइव, और यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 बाई फाइव, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है 18 बाई फाइव कॉमा नाइन बाई फाइव है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये है, ये आ चुका है, समझ में आ रही बात बच्चों आपको। तो अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस पॉइंट पर काट रहे हैं वहाँ पर टेंजेंट खींचा जाए, तो वो टेंजेंट दोनों इंटेंजेंट कहाँ पर काटेंगे, एक्स वन वाई वन पर, जिसे निकालना है उन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स वन वाई वन मान लीजिए, एक्स वन वाई वन के रिस्पेक्ट में कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, अरे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लीजिए, और यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कॉमन कॉर्ड भी होना चाहिए। दोनों ए बी की इक्वेशन दो तरीके से निकाल लीजिए, एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और एक कॉमन कॉर्ड। तो ए बी चूंकि एक ही है तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, दोनों कंपेयर कर दो दोनों इक्वेशंस को, आसानी से आप एक्स वन वाई वन पा जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है, मान लीजिए इस तरह से कुछ आता है, तो तुरंत कर लोगे, ठीक है। चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।